बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ जवेरिया जावेद बट फ्रॉम एपेक्स कॉलेज डस्का। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कोविड-19 से बचने के लिए SOPs को फॉलो करते होंगे आप, क्योंकि ये कॉन्टेजियस डिजीज़ है तो बेहतर है कि आप इसके कैरियर ना ही बन पाएँ। मैं आपसे बायोलॉजी सेकेंड फेज कैटेगरी ए का पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि एक फुल लेंथ पेपर है। इसमें 17 MCQs हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट MCQ है द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, जिसमें CH बॉन्ड है। CH बॉन्ड जो है ये लिपिड्स में पाया जाता है, क्योंकि इक्वल अमाउंट अगर लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की ली जाए तो जो लिपिड्स हैं वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो इसे CH बॉन्ड की वजह से ही पॉसिबल होता है। इसके अलावा है CN बॉन्ड, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड है, प्रोटीन्स में पाया जाता है। CO है, जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और ये कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। और इसके अलावा CC बॉन्ड है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करवाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। इसके बाद है सेकंड MCQ, द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू गैस इज एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज एब्सॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज्ड इज कॉल्ड। तो ये हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हीट कैपेसिटी भी नहीं आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी नहीं है और लेटेंट हीट कैपेसिटी भी नहीं आएगा इसमें। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि वाटर की 574 kcal/kg गिवन है। इसके बाद MCQ नंबर 3 है, केराटिन इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स प्रेजेंट इन ब्लड, मसल, बोन, नेल एंड हेयर। तो ऑप्शन डी, नेल एंड हेयर जो है वो करेक्ट है। बोन्स में भी नहीं पाई जाती केराटिन, क्योंकि बोन्स में कोलेजिन पाई जाती है, मसल्स में एक्टिन मायोसिन पाई जाती हैं और ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन वगैरह पाई जाती हैं। इसके बाद MCQ नंबर 4 है, इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन डेट्स, एमाइलोज, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। तो डेट्स में पाई जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एमाइलोज जो है इसमें भी नहीं पाई जाती, क्योंकि ये स्टार्च की एक टाइप है जो कि पॉलीसेक्राइड्स हैं। ग्लाइकोजन भी नहीं है, ये भी पॉलीसेक्राइड्स हैं, सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो इन सब में ग्लूकोज कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है, फ्री स्टेट्स में डेट्स में ही पाई जाएंगी। इसके बाद है MCQ नंबर 5, जिसमें है दी हाइड्रोजनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स इज कॉल्ड प्रोटीन, लिपिड्स, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, जिसमें लिपिड्स आएंगे। हाइड्रोजनस का मतलब है ग्रेट वेराइटी, जिसमें डाइवर्सिटी हो। तो लिपिड्स के तो क्लासिफिकेशन भी हैं, जिसमें एसाइलग्लिसरोल्स हैं, वैक्सीस हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, ये सारी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, टर्पिनॉइड्स वगैरह हैं। प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स के फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन ये दो टाइप्स हैं। ग्लूकोज एक ऑलरेडी मोनोसेक्राइड है। कार्बोहाइड्रेट्स के भी जस्ट 3 टाइप्स हैं, जिसमें मोनोसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, जिसमें लिपिड्स आएंगे। इसके बाद MCQ नंबर 6 है, विच इज़ नॉट अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, उनको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन भी है, ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं, लाइपोप्रोटीन्स भी हैं। तो ऑप्शन सी है, पॉलीसेक्राइड्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक कैटेगरी है। तो इसलिए ऑप्शन सी एक इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें कहा गया है कि ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल नहीं है। लोवास्टेटिन MCQ नंबर 7 है, लोवास्टेटिन इज़ यूज फॉर लोअरिंग ब्लड प्रेशर है, ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रोल और नन। तो कोलेस्ट्रोल इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्टेटिन्स जो हैं वो यूज ही कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करने के लिए होते हैं। इसके बाद है MCQ नंबर 8, सिट्रिक एसिड इज़ ऑब्टेंड फ्राम पेनिसिलियम, एस्पर्जिलस, सैक्रोमाइसिस, न्यूरोस्पोरा। तो ऑप्शन बी जो है एस्पर्जिलस, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है हिस्टोप्लास्मोसिस इज़ अ हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, लंग डिजीज़, स्किन डिजीज़। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, लंग डिजीज़ है, इन्फेक्शियस लंग डिजीज़, जिसमें फंगस जो है कॉन्टेमिनेटेड होती है बर्ड्स फीसिस के साथ, तो ये कॉज करती है हिस्टोप्लास्मोसिस। इसके बाद है अल्फा लोटस ओलेरियस इज़ अ बायोलॉजिकल नेम ऑफ डेथ एंजल है, यूस्ट है, ट्रफल है, जैकोलेटर्न है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये 126 पेज पे डायग्राम के नीचे रेड लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। अल्फा लोटस ओलेरियस, जो कि जैकोलेटर्न का साइंटिफिक नेम है, ट्रफल भी नहीं है, यूस्ट भी नहीं है, यूस्ट का तो सैक्रोमाइसिस एरिविसियाए है, और जो डेथ एंजल है ये एमानिटास होते हैं। तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसके बाद MCQ नंबर 11 है, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश आर। तो फिशेस जो होती हैं ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ऑब्वियसली गिल्स ही है इसका। लंग्स तो बर्ड्स मैमल्स में पाए जाते हैं। एयर सैक्स जो हैं वो ऑलरेडी फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, जो कि मैमल्स में पाए जाते हैं। ट्रैकिया भी नहीं इसमें शामिल होता। इसके बाद MCQ नंबर 12 है, जिसमें है वाटर इज मोर विस्कस देन एयर, 10 times, 20 times, 50 times, 100 times। तो ये 50 times इसका करेक्ट ऑप्शन है।
इसके बाद है एमसीक्यू नंबर 13, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू सेरिन इन द माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी बॉडीज हैं, तो क्लोरोप्लास्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ए जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। फोटो रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें राइबुलोज बिसफॉस्फेट और ऑक्सीजन मिलती है और वो ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोलेट देन ग्लाइसिन में और ग्लाइसिन आगे से सीरिन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन होती है। तो ये ग्लाइसिन के सीरिन और कार्बन डाइऑक्साइड में जो कन्वर्जन है ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती हैं। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 14, ब्रीदिंग रेट इन मैन एट रेस्ट इज, तो ऑप्शन बी जो है 15-20 टाइम्स पर मिनट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए सी डी इरेलीवेंट है, ये इसके करेक्ट आंसर्स नहीं हैं। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 15, द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स आर स्टोमेटा, लेंटिसेल, क्यूटिकल, एपिडर्मिस। स्टोमेटा ही मेन साइट्स हैं जो कि यंग स्टेम्स में पाए जाते हैं, लेंटिसेल्स तो ओल्ड में पाए जाते हैं और क्यूटिकल और एपिडर्मिस तो इसकी लेयर्स हैं। तो स्टोमेटा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ फ्रेश एयर आर 200 मिल पर लीटर, 100 मिल पर लीटर, 10 मिल, 150 मिल पर लीटर, तो ऑप्शन ए 200 मिल पर लीटर इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 17, हीमोग्लोबिन इन मैन इंक्रीजेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टू अबाउट, तो ऑप्शन ए 75 टाइम्स इसका करेक्ट आंसर है, जो कि चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज में से है। 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, 100 टाइम्स, ये सारे ही इरेलीवेंट है, इसका करेक्ट आंसर नहीं है।